नमस्कार, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एमके वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वेब प्रोग्रामिंग नहीं आती है और आप अपने लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपने लिए खुद की वेबसाइट 10 मिनट में बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना वेब ब्राउजर खोलना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम खोला है। आपने यहाँ पे टाइप करना है wix.com। एंटर करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो wix.com की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहा है स्टार्ट नाउ, तो आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपको बोल रहा है साइन अप। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, आप लॉग इन कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से या फिर अपने गूगल प्लस अकाउंट से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों ऑप्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट पहले से यहाँ पे बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिजनेस, डिजाइनर, ब्लॉग्स, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट एंड फूड्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल ब्लॉग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं, स्टार्ट विद विक्स एडीआई, स्टार्ट विद विक्स एडिटर। फ्रेंड्स, एडीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टार्ट विद विक्स एडिटर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि आप किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ट्रैवलर ब्लॉग, पर्सनल स्टाइल ब्लॉग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे पर्सनल स्टाइल ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई और कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चूज करने के बाद इस तरह की आपका मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि जो इसका हेडिंग है इसको चेंज करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके अपना कुछ भी नाम जो भी आप अपने ब्लॉग का देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ डबल क्लिक करके लाइफस्टाइल एडिट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको करने के बाद आप चाहें तो अपनी ब्लॉग की जो साइट हम बनाने जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दे रखे हैं, आप इनमें से कोई एक बैकग्राउंड जो है अपनी साइट के लिए चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ प्लस के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, गैलरी, स्लाइड शो, बटन्स, बॉक्सेस, स्ट्रिप्स, शेप्स, वीडियो, म्यूजिक, सोशल नेटवर्किंग लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, मेन्यू, लिस्ट, ब्लॉग, स्टोर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो इन सब का यूज आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर वेबसाइट किस तरह से दिखेगी तो आपने यहाँ जो मोबाइल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये बता रहा है जब आपकी वेबसाइट किसी मोबाइल के ऊपर खोली जाएगी तो इस तरह से दिखेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज, जैसे कि अभी हम होम पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने अगली ऑप्शन है अबाउट, आप अपने बारे में एडिटिंग कर सकते हैं, अपना अबाउट का पेज बना सकते हैं। इसके अलावा और भी आपने जितने पेज बनाने हैं सिंपली आप यहाँ ऐड पेज के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और आसानी से उनको एडिट करते जाएंगे और आपकी वेबसाइट जो है क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है चूज अ डोमेन बिफोर यू पब्लिश। ठीक है,
तो वैसे तो आप अगर आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है तो आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ता है जो कि आपको पता ही होना, लेकिन wix.com आपको डोमेन नेम फ्री में भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन इस केस में एक ही कंडीशन होती है, आपके वेबसाइट के नाम के आगे wix.com भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम wix.com पर लगाएं तो आप अपने लिए एक अच्छी सी वेबसाइट आसानी से बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।